A very, very gracious welcome to the enlightened youth of this country. मैं अनम अहमद from the platform of Pencil Box Education. आप सभी का स्वागत करती हूँ The Hindu Newspaper Analysis में. आज है 2 October 2018. So what are we waiting for? Here we go. So I have this brief little information about who I am. मैं कहाँ को आती हूँ, कहाँ को जाती हूँ. So you can like give it a check. This will remain the pattern of our discussion, starting with an amazing, inspiring quote and ending on a map practice question. So let's see what do we have here for us today. Nobody can hurt me without my permission. ये हमें जो है इतनी खूबसूरत बात से इंस्पायर किया है महात्मा गांधी जी ने, क्योंकि आज उनका जन्मदिन पूरी दुनिया मना रही है गांधी जयंती के फॉर्म में. जी हाँ, इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड गांधी जी का जो है लोग समर्पित करते हैं, उनको जो है रिस्पेक्ट पे करते हैं, उनकी जो है टीचिंग्स याद करते हैं, उनका जो है इम्पोर्टेंट जो उनकी स्ट्रैटेजीज, रूल्स, प्रोपोगेंडा प्लान्स रहे हैं उसको लोग सिहारते हैं, निहारते हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ दैट. तो ही इज़ दैट ग्लोबल पर्सनैलिटी हु इज़ रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड. और उन्हीं की यहाँ पर बोली हुई, लिखी गई खूबसूरत बात पर हम आज बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंस दे करके हम ध्यान देंगे. दैट इज़ कि हमें हमारी इजाज़त के बिना कोई हमें दुख नहीं पहुंचा सकता, दर्द नहीं दे सकता, हमारे मन में कोई भी नेगेटिव इमोशंस पैदा नहीं कर सकता, हमें किसी भी तरीके से हर्ट नहीं कर सकता, अफेक्ट नहीं कर सकता, टिल द टाइम हम उस आगे वाले इंसान को परमिशन दे रहे हैं कि आप आइए, न्योता दे रहे हैं, आ बैल मुझे मार, न्योता दे रही हूँ कि वो मेरे जो ये जो रेल्म है प्रॉक्सिमिटी का. हमारे लाइफ में ऐसी बहुत सारी बाउंड्रीज होती हैं. ये हो गया हमारा रेल्म ऑफ प्रॉक्सिमिटी, फिर ये हो गया थोड़ा दूरी, फिर ये एक बाउंड्री और थोड़ा दूरी होगी, ये हो गई हमारी सर्कल जो हमारे एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं. साइकोलॉजिकल मतलब ये कोई ऐसे फिजिकल सर्कल्स नहीं है कि आपने फेंसिंग लगा रखी है, बट देन दीज आर साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स जो कि हमारे माइंड में प्रेजेंट है और इसी में हम अपने रिलेशनशिप्स जो है प्लेस करते हैं. ये हो गया मेरा दूरी दोस्त, ये हो गया मेरा थोड़ा और करीबी दोस्त, ये हो गया मेरे घर वाले, रिश्तेदार, नातेदार, मेरे जो है और क्लोज है पार्टी, ये सारे लोग मेरे इस सर्कल में आ रहे हैं. जब हम किसी इंसान को सर्कल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में ले आते हैं, तब हम उसे पूरा का पूरा एक अपनी लाइफ में कुछ हिस्सा दे रहे हैं, हम अपनी लाइफ में उसको कुछ समझ रहे हैं, हम अपने लाइफ के कुछ रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में दे रहे हैं और उसकी कही भी बात, उसकी करीबी हरकत, उसके लिए हुए डिसीजन हमें असर कर सकते हैं, हम पे अफेक्ट कर सकते हैं. तो दैट्स वॉट गांधी जी हैज बीन टेलिंग अस कि देखिए, कोई हमें हर्ट कर रहा है और नहीं कर रहा है वो हमारे जो है उस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के ऊपर डिपेंड करेगा. ऑल्सो हम जब तक उसको परमिशन नहीं देंगे कि आओ हमारे सर्कल में बैठ के मंडली जमाओ, तब तक वो हमें हर्ट या अफेक्ट नहीं कर सकता है. तो ये आपकी जिम्मेदारी है चेक करना कि आपने अपने सर्कल ऑफ प्रॉक्सिमिटी में कैसे लोगों को चुन करके रखा हुआ है. क्या वो बहुत पॉजिटिव पर्सनैलिटीज है, नेगेटिव पर्सनैलिटीज है, ऑप्टिमिस्टिक है, पेसिमिस्टिक है, किस प्रकार के लोगों के साथ आपका रोज का उठना बैठना है. तो दैट इज समथिंग विच यू हैव टू चेक अप ऑन, क्योंकि उनका जो है पोटेंशियल है कि वो आपकी लाइफ में अच्छा खासा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम पेंसिल बॉक्स एजुकेशन. एंड आई एम रियली हैप्पी दैट वी हैव क्रॉस्ड आवर 600 बेंच मार्क एंड आई एम रियली रियली हैप्पी, रियली रियली एक्साइटेड एंड वेरी वेरी मच thankful to all the people who have extended support on Facebook page as well, on by subscribing the channel as well, and also the comment section is light full of people answering questions and all that. I'm really happy and I do want to congratulate you all. And this is how you're going to like the page that I've made for you. Is pe main PDF links update karti hu, quote of the day share karti hu, bahut sare updates karne wali hu. To yeah, please do and join the community over there, follow it, and also I would welcome a lot of reviews that you write. जैसे नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखते हैं, आप मुझे FB पे जाकर हमारे पेज में ऑफिशियली रिव्यू करें तो मुझे ज़्यादा बेटर लगेगा. इट इज़ फॉर अदर पीपल एज वेल, जो कि उनको भी अवेयरनेस वगैरह होगी हमारे जो है इस पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में, उसके काम के बारे में, एंड एवरी थिंग. दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप, इसकी भी लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, तो डू चेक इट आउट. एंड मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप उस कम्युनिटी का पार्ट हो, ज्वाइन करें, लेट अस ऑल शेयर अ फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस एंड
let us see what couple of editorials we have for us today. The first one is talking about banking structure, talking about a financial institution, talking about the role of RBI aur unke faulty decision makings. Ye sare ki wajah se ek company aaj itne ghate mein hai, liquidity problem hai, uske paas paise bache nahi hai. To us pure background mein kuch important decisions the government is actually taking salah mashwara karke RBI ke saath. To hum isse kuch zaruri baatein seekhenge aaj. Up in the air, yahan par baat ho rahi hai पॉल्यूशन की, बात हो रही है अक्टूबर नवंबर में जो एक मैसिव स्मॉग का एक ब्लैंकेट दिल्ली एनसीआर को घेर लेता है. हमारे दिन में रात हो जाती है, हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि बिना ढाटा बांधे हम बाहर निकलते नहीं हैं. और बहुत सारे जो है वार्निंग सिग्नल्स भी गवर्नमेंट के साइड से होते हैं कि जो है आप कार पूलिंग करिए, आप पॉल्यूशन कम करिए, क्रैकर्स ना बर्न करिए, या फिर ऐसे कोई जो है हमें जो सिग्निफिकेंट वार्निंग्स इशू होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो ये उसके पूरे बैकग्राउंड में कि अभी टाइम है कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें कि वो सिचुएशन इतनी वर्सन ना हो जाए. तो थर्ड आर्टिकल हियर इज टॉकिंग अबाउट द वॉइस दैट इज ग्रेट विद इन अस. हमारे सबके अंदर एक गांधी जी हैं, वो है एक पॉजिटिव सोल आपके अंदर. आपने खुद ने महसूस किया होगा कि आपकी आत्मा के दो पार्ट हैं. एक तो हो गया शैतानी आत्मा जो कि आपको भड़काता, चल यार सो जा, ना पढ़ो, घूम लो, दारू पी लो, सिगरेट पी लो, दोस्ती यारी कर लो, जो है रिलेशनशिप में बर्बाद हो जाओ, ऐसे कंपनी चूज कर लो, एकदम जो है रेडिकल राउडी और एकदम कूल टाइप्स बन जाओ, इंस्टाग्राम FB पे पॉपुलर हो जाओ, एंड ऑल सॉर्ट ऑफ दैट. तो ये हो गया आपका शैतानी आत्मा. और एक हो गई आपकी पॉजिटिव आत्मा जो कि हमेशा टाइम एंड अगेन आपको एक रियलिटी चेक देती रहेगी. और वो रियलिटी चेक का नाम है, यहां पर बोला जा रहा है कि हमारे सबके अंदर एक गांधी जी बैठे हुए हैं, एंड दैट इज द रियलिटी चेक जो कि हमें टाइम टाइम से जो है सत्याग्रह की बातें, टाइम टाइम से इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस, इंपॉर्टेंस ऑफ मोरालिटी, एथिकल गाइडलाइंस, इन सब के ऊपर हमें कहीं ना कहीं रियलिटी चेक्स बीच बीच में हमारी जिंदगी में देते रहते हैं. तो हमें कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ को सुन करके इसकी आवाज़ को जो है नज़रअंदाज कर देना चाहिए. और अगर आपने ये स्किल करना सीख गया देन आप देखिए क्या रिजल्ट निकल के आते, कैसी खूबसूरत पर्सनैलिटी बन के आती है आपकी बाहर. द फोर्थ आर्टिकल हियर इज टॉकिंग अबाउट द सबरीमाला, पूरा का पूरा जो रो चल रहा है, एंट्री ऑफ वुमेन, बैन, केरला हाईकोर्ट का वर्डिक्ट, ऑल सॉर्ट ऑफ दैट. तो कुछ पॉइंट्स हम इससे बैकग्राउंड एनालिसिस में देखेंगे. द फिफ्थ आर्टिकल हियर इज टॉकिंग अबाउट द अलजेब्रा ऑफ डिसेंट. डिसेंट मतलब किसी भी बात से नकारना या सहमत ना होना और कोई भी वर्डिक्ट के अगेंस्ट अपना ओपिनियन रखना. तो इसके बारे में भी हम कुछ जरूरी बातें करेंगे. यहां पर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के पूरे बिजनेस के ऊपर कुछ जरूरी बातें हो रही, वील बी फोकसिंग अपॉन इट एज वेल. दिस आर्टिकल is away and out of our ambit. चलिए शुभारंभ करते हैं अपने इस खूबसूरत दिन की शुरुआत का अपने पहले आर्टिकल से. रेस्क्यूइंग द ILNFS, ये एक ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बॉडी है हमारी कंट्री में जो कि अभी डेप्ट और स्टॉक मार्केट के जो ऊपर नीचे अभी हमने हाल ही में देखा था, पिछले एक दो हफ्ते पहले जब थोड़ी स्टॉक मार्केट के कुछ जो है जो क्लोजिंग हुई थी एट द एंड ऑफ द डे, उसमें कुछ पॉइंट्स नीचे हुई थी जिसके वजह से थोड़े बहुत बिजनेसेस जिन्होंने अपना ट्रेड वगैरह करते हैं शेयर्स का, ये सारे जो पूरा सिस्टम चलता है टू रेज द फंड एक्चुअली फॉर देयर ओन बिजनेसेस, तो वो काफ़ी ज़्यादा घाटे में आ चुके थे. तो जिसके बैकग्राउंड में अभी एक ऐसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसके ऊपर यहाँ पर बात हो रही है जो कि लोन्स एंड फाइनेंस जो फाइनेंस लेंड करता है टू अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स इन आर कंट्री. तो ये काफ़ी लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, लिक्विडिटी मतलब मनी प्रॉब्लम फेस कर रहा है. इन्होंने जहाँ से लोन उठाए हुए हैं या फिर जिन्होंने इनमें इन्वेस्ट करा हुआ है, फिर इन्होंने आगे कहीं पर मनी इन्वेस्ट किया हुआ था, जिसकी वजह से पूरा का पूरा यहां पर ओवर लीवरेजिंग प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है. आफ्टर कंडक्टिंग द ब्लड टेस्ट ऑफ द एंटायर इंस्टीट्यूशन वी गॉट टू नो दैट कि इनको जो डिजीज हुई है वो है ओवर लीवरेजिंग डिजीज. इसका मतलब मैंने आपको नेक्स्ट पेज पे समझाया है, इसका मतलब ये है कि एक बिजनेस अगर ओवर लीवरेज्ड है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज्यादा डेप्ट कैरी कर रहा है, ठीक है, एंड इज अनएबल टू पे द इंटरेस्ट पेमेंट्स फ्रॉम द लोन्स एंड अदर एक्सपेंसेस. बहुत ज़्यादा लोन्स कैरी कर रहा है बट अब वो लोन चुकता नहीं कर पा रहा है, उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो उस इंटरेस्ट के साथ वो लोन की जो है भरपाई वो लोन का जो है चुकता नहीं कर पा रहा है. जबकि ये ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंसेस प्रोवाइड करती है हमारी कंट्री में. 1987 पे इसका गठन
ओपन हुआ था एंड इसके हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में. थोड़ा सा हेडक्वार्टर वाली चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा. एंड ये जो है इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री में इसलिए क्योंकि ये सेवरल प्रोजेक्ट्स हमारी कंट्री में जो है इस्टेब्लिश करती है, डेवलप करती है इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक ट्रांसपोर्टेशन, एरिया डेवलपमेंट, ई गवर्नेंस में, हेल्थ इनिशिएटिव्स में, चाहे वो क्लस्टर डेवलपमेंट हो, फाइनेंस प्रोवाइड करना हो, पावर, पोर्ट्स, वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट हो, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एनवायरमेंट हो, एजुकेशन हो, और बहुत सारी जगहों में इन्होंने अपना जो है योगदान दिया है. और अभी इनके पास कुछ मनी क्रंच, क्रैश क्रंच, लिक्विडिटी प्रॉब्लम, और जो इन्होंने लोन्स उठाए हुए हैं जो जिसके कर्जे पे ये डूबे हुए हैं क्योंकि इन्होंने किसी और से पैसा लेकर के किसी और में लगाया हुआ था, तो ये सारे पैसे के प्रॉब्लम की वजह से इनएबिलिटी टू पे बैक द लोन यू हैव एक्चुअली उठाओ फाइव फ्रॉम द मार्केट. तो ये पूरे सिचुएशन की वजह से अभी ये कंपनी थोड़ी बहुत लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जो इसके जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे उनको जो है चेंज कर दिया गया है, न्यू पैनलिस्ट को बिठा दिया गया है वहां पर. और ये जो पूरा चेंज हुआ है वो सेंटर ने आरबीआई से सलाह मशवरा करके लिया गया है क्योंकि इट इज वन ऑफ द सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन के टैग के तहत आरबीआई ने इसको रखा हुआ था. तो आप समझ लीजिए हमारी कंट्री में कितना सेंट्रल रोल ये ऑर्गेनाइजेशन प्ले करता है. सो दैट्स व्हाट द एंटायर सिस्टम इज अबाउट. कि देखिए ये सारे जो प्रॉब्लम, जब कंपनी प्रॉब्लम में आ जाती है, घाटे में चली जाती है, फिर हमारी आंखें खुलती है. बट हमेशा से आर्टिकल राइटर्स या फिर पॉलिसी मेकर्स, पॉलिसी इवेल्युएटर्स हमेशा इस बात पे फोकस करते हुए कि हमेशा हम इंडियंस को प्रिवेंटिव मेथड पे हमेशा फोकस करना चाहिए. चाहे वो कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट हो, अर्थक्वेक हो, फ्लड हो, किसी भी टाइप की सिचुएशन हो, हमें प्रिवेंटिव मतलब कि हादसा होने के पहले ही हादसा सूंघ लेना और उसके जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेना कि हम प्रिवेंट कर ले उस पूरी की पूरी घटना को होने से पहले ही. जैसे कि अपने घर के दरवाजे बंद कर ले, वॉच डॉग्स रख ले, सीसीटीवी कैमरा रख ले, तो क्यों हमारे घर में चोरी डकैती होगी ये आप मुझे बताइए. या फिर कॉलोनी के वॉचमैन को एक्स्ट्रा पगार दे करके उसको जो है थोड़ा सा हम और एक्टिव कर ले कि भाई साहब थोड़ा रात में आप जो है कॉलोनी के चक्कर मार लिया करिए क्योंकि यू नो देयर इज अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी कि कोई बगलरी हो जाएगी किसी दिन. सो ये सारे मेजर्स क्या है, प्रिवेंटिव है. यू अंडरस्टैंड द फ्यूचर कि फ्यूचर में ये सारी संभावनाएं हो सकती हैं जिसकी वजह से हमें आज अपने आज में ये सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना अनिवार्य है. तो ये सारे हम लॉन्ग साइडेडनेस जो हम कहते हैं कि दूर की सोचना, ये सारी चीजें हम लैक करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे स्पेशली इकोनॉमी में बहुत सारे हम फॉल्टी मैकेनिज्म्स का जो है एक हकदार हो जाते हैं, एक रीजन हो जाते हैं. द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज टॉकिंग अबाउट अप इन द एयर. तो यहाँ पर बात हो रही हैवी व्हीकल से जो पोल्यूशन हमारे कंट्री में जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो एक स्टबल बर्निंग बाय फार्मर्स, ये जो एक्टिविटी हमने देखी इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जो ये सारा का सारा स्मॉग डेवलप होके फिर ये क्लाउड हो जाता है दिल्ली में आकर के. दिल्ली NCR में एक स्मॉग का आप समझ लीजिए, व्हाट इज स्मॉग, स्मोक प्लस फॉग, क्योंकि विंटर अराउंड फॉग की भी जो है चांसेस हो जाती हैं पैदा होने की. हमारे जो है पूरे दिल्ली NCR में एक थिक ब्लैंकेट फॉग का ऑलरेडी होता है. हवा का जो पूरा जो रुख होता है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो ये सारे जो एरिया से जो है एक जो एयर है वो पूरा रेगुलेट कर पाए, सर्कुलेट कर पाए. तो एक जम जाती है गंदी बदबू आकर के, गंदी हवा आकर के हमारे एरिया में आकर जम जाती है. और जो फॉग होता है वो एक स्टिकी पार्टिकल भी प्रोवाइड करता है इन सारे पोल्यूटेंट्स को बैठने के लिए. तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर स्टिक होते होते फिर वो एक काला ब्लैंकेट जैसा एटमॉस्फेयर हमारे दिल्ली NCR के रीजन में बना देता है जो कि हमारे लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी जो है सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है. तो दैट्स व्हाट यहां पर अब अगेन प्रिवेंटिव एंड प्रीकॉशनरी मेजर की बात हो रही है कि देखो हादसा होने के पहले ही, अभी सितंबर अक्टूबर का जमाना है, यहां पर पैडी कल्टीवेट हो चुका है, हार्वेस्ट हो चुका है, स्टबल आ चुका है. तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि इन टारगेटेड स्टेट्स को जाकर के हम फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करें, उनको सब्सिडीज प्रोवाइड करें कि वो ऐसे इक्विपमेंट्स जैसे कि हैप्पी सीडर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर या जीरो टिल ड्रिल, इस टाइप की टेक्नोलॉजी हम उनको सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड करें ताकि वो इसको अवेल करें. और जो भी वेस्ट है उनके एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का, उसको जलाने की बजाय वो ऐसी चीजें यूज करके, ऐसे इक्विपमेंट्स यूज करके उसका मेन्योर बना लें या उसको फॉडर बना लें या फिर किसी भी टाइप के चीज में उसको यूज कर लें. बट
जलाएं ना, मे बी हम उनको नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको अवेयरनेस प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो कैसे अपने एग्रीकल्चरल वेस्ट को अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, किसी और चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, मे बी घर बनाने के लिए और ऑर्गेनिक मेन्योर का काम कर सकती है, या फिर और भी किसी चीज़ के लिए उसको यूज़ करा जा सकता है। और मतलब फार्मर्स, हमें हमेशा साइकी को अटैक करना है कि फार्मर्स वो स्टबल बर्न क्यों करते, क्योंकि इतना ज़्यादा कूड़ा जमा हो जाता है फार्म पे, उनको समझ में नहीं आता कि वो कैसे करें। अगर वेट करेंगे किसी प्रशासन का कि वो ट्रक भेजेंगे, इसको लोड कराएंगे, तब तक उसको पड़ा रहने दे अपनी ज़मीन पर, तो वो ये चीज़ नहीं चाहते, इसलिए वो एक ईजी मेथड अडॉप्ट करते हैं और उसको जला देते हैं। तो हमें उनकी साइकी को अटैक करना है, उनको अवेयरनेस देना है कि देखो ये कूड़ा है, कूड़े से भी आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, इसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ये सारे इक्विपमेंट्स जो है इत्तेफायती किफ़ायती दाम में आप ले सकते हैं एंड उसको जो है आप इसको you know, ख़त्म कर सकते हैं। तो जैसे कि पंजाब जो है वो लीड प्रोड्यूसर है पैडी का, इस पूरे स्टेट्स में सबसे ज़्यादा पैडी जो है पंजाब में ही उगाई जाती है, तो पंजाब से हमें लाइक रियली सहायता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ मिलकर इस पूरे इशू पे प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी मेजर लेने को तैयार कर रहे हैं, ताकि दिवाली जैसे माहौल पे, न्यू ईयर और क्रिसमस जैसे माहौल पे हम अपने फेस्टिवल इंजॉय कर पाए, क्योंकि शादी ब्याह का माहौल होता है, दुर्गा पूजा का माहौल होता है, दशहरा और नवरात्रि का माहौल, इतने फेस्टिव सीजन होते हैं, इतने इंजॉयबल मंथ्स होते हैं, तो लेट अस जस्ट गो आउट एंड ओपन एंड एंजॉय, ना कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के तहत हम ढाटा बांध के और जो है वो एयर मास्क लगा करके हम घूमें। सो द कॉस्ट ऑफ लेबर इज ऑलरेडी वेरी मच, तो एक ये भी ड्रॉबैक होता है कि फार्मर्स जो है और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ये सारे इक्विपमेंट्स लेने के लिए, तो क्योंकि उनका ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ लेबर ज़्यादा होता है, इट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, या फिर सीड का कॉस्ट, या फिर मेन्योर का कॉस्ट, इन सारे कॉस्ट की वजह से ऑलरेडी उनका एग्रीकल्चर उनके लिए ऑलरेडी महंगा होता है, ऑलरेडी वो डेप्ट में होते हैं, तो ये सारे इक्विपमेंट्स पे वो पैसा नहीं लगाना चाहते। तो गवर्नमेंट हैज़ टू अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियालिटीज, हैज़ टू अंडरस्टैंड क्या प्रॉब्लम है ऑन द ग्राउंड लेवल एंड टैकल इट इंडिविजुअली। तो 80% यहाँ पर माना जा रहा है जो एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन है दिल्ली में इन विंटर ड्रॉज फ्रॉम द सोर्सेज अदर देन बर्निंग स्टबल। ठीक है, सारा हाइप तो आपने कर दिया बेचारे फार्मर्स के कंधे पर कि ठीक है ये स्टबल बर्न करते हैं, पैडी कल्टीवेट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बट यहाँ पर कहा जा रहा है कि 80% जो है, ये तो सिर्फ 20% पार्ट है आपके पोल्यूशन का, जो 80% रीज़न है उस पर आपने कुछ सोचा है? व्हीकल से जो पोल्यूशन निकलता है, या फिर हमारे जो दिल्ली NCR में जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डस्ट है एटमोसफेयर में, वो एक बहुत ही बड़ा आप समझ लीजिए इन्वेस्ट करता है पोल्यूशन में, और फैक्ट्रीज हैं यमुना रिवर के आसपास जो इंद्रप्रस्थ पे जो बहुत सारी फैक्ट्री आउटलेट्स हैं वो जो पोल्यूशन इजेक्ट कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में बाहर, ये सारे जो कारण है उस पर आपने कोई प्लान्स एंड प्रोपोगेंडा वगैरह सोचा है कि आप क्या करेंगे? सारा का सारा अटेंशन आपका 20% ऑफ द पोल्यूशन पे, दैट इज पैडी फील्ड से जो आता है, बाकी 80% कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से जो हो रहा है, व्हीकल मोटर ये जो पोल्यूशन है इससे हो रहा है, फैक्ट्री से हो रहा है, या फिर ये पूरा का पूरा जो है किसी और कारण की वजह से हो रहा है, या फिर फॉल्टी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से हो रहा है, तो ये सारी वजहों के ऊपर, या फिर हम समझ लीजिए कि जो कंस्ट्रक्शन में हम पेड़ कम कर देते हैं उसकी वजह से भी पोल्यूशन इंक्रीज़ हो रहा है, इवन एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन इजेक्ट होता है, तो आपने इनके जो है ऊपर और इनके रीजंस पे आपने क्या टैकल करने के लिए जो है आपने जो है मेजर्स लिए? तो ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन्स एंड जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ही हमें इससे जो है आप समझ लीजिए एक गुड वे आउट प्रोवाइड कर सकती है। तो ये रही हमारी मदर अर्थ, जिसकी हमने हालत आज खस्ता कर दी है, जिसको हमने इतना एक्सप्लॉइट कर दिया है, प्रकृति हमें इतनी खूबसूरती प्रोवाइड करती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, सीनिक ब्यूटी प्रोवाइड करती है, हमारे लिए एक पर्सनल थेरेपिस्ट का काम करती है, और उसी को काट के, उसी को ओवर एक्सप्लॉइट करके हम जो उसके साथ नाइंसाफी कर रहे हैं उसको काट रहे हैं, उसको वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट डाउन, तो वो फिर उठ करके, मैंने हमेशा ये बात एडवोकेट करी कि वो जिस दिन उठ करके आक्रोश में आ करके आपसे बदला लेने को आ जाएगी फिर आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की थोड़ा बहुत मैंने आई थॉट ऑफ गिविंग दिस चार्ट टू यू। तो देखिए ये सारे रेंजेस है, जो ये ग्रीन वाला कॉलम है दिस इज़ लाइक अ गुड एयर विच इज़ मैनेजेबल, तो 0 से 50 तक इंडेक्स है, 51 से 100 तक इंडेक्स है, तो आई मीन यू हैव अ गुड एयर अराउंड। तो यहाँ पर मॉडरेटली पोल्यूटेड आ गया, यहाँ पर पुअर एयर आ गया, यहाँ पर वेरी पुअर एयर आ गया, और हमारी सिटीज़ लाए करती है, यू विल नॉट बी सरप्राइज, यू शुड नॉट बी सरप्राइज, बट हमारी मेजर सिटीज़ सीवियर वाले एम्बिट
बिट में सीवियर वाली कैटेगरी में लाई करती है, स्पेशली दिल्ली जिसका एयर क्वालिटी इंडेक्स अराउंड अबव 450 होता है। ये आप चेक कर सकते हैं, जिस भी सिटी जिस भी एरिया में आप रह सकते हैं आप उसको टाइप करिए। फॉर एग्जाम्पल यू लिव इन कानपुर, तो आप कानपुर टाइप करके आप ऐसे लिखिए कानपुर एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो फिर गूगल आपको खुद ही बता देगा कि कानपुर में इस समय आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हमारी सिटीज 300 से 500 के ही रेंज में लाई करती है और कितना ज़्यादा ये हानिकारक है हमारे लंग्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर ये तो हो गया एयर क्वालिटी इंडेक्स के ये सारे रेंजेस के ऊपर, प्लस कौन से पॉल्यूटेंट्स एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है नोट करती है और एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करती है और कैलकुलेट करती है। तो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द MCQs दैट कैन बी आस्क्ड, वो पूछे भी जा चुके हैं 2017 और 18 में, ऑल्सो मेन्स आंसर राइटिंग में आप इसको मैंशन कर सकते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन PM10 हो गया, PM2.5 हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, O3 दैट इज ओजोन ये हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, NH3 दैट इज अमोनिया, फिर हो गया हमारा लेड। अब आप इसमें देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैलकुलेट नहीं करता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट नहीं करता है। तो ये बहुत ही ब्लेटेंट, बहुत ही कॉमनली मिस्टेक कर देने वाली ये एक पॉइंट है जो कि आपको याद रखना चाहिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स कार्बन डाइऑक्साइड को कैलकुलेट नहीं करता। PM10, PM2.5, NO2, O3, CO, CSO2, NH3 एंड लेड को ही इनकॉर्पोरेट करता है। तो ये MCQ जैसी चीज़ों में बहुत अच्छे से आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है पूछा जा सकता है। आज है गांधी जयंती के दिन महात्मा गांधी जी पैदा हुए थे, पूरे दुनिया इनका जो है इनकी टीचिंग्स याद करती है, इनकी लिखी हुई बुक याद करती है, इनके जो ये सारी पूरी पॉलिसी थी सत्याग्रह की, नॉन वायलेंस की, कोऑपरेशन मूवमेंट की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, सॉल्ट मार्च की, डांडी मार्च की, इनका आश्रम का पूरा जो इनोवेशन था, इनका जो खादी का जो इजाद था कि हमें अपनी इंडस्ट्रीज प्रमोट करनी है, हमें खादी प्रमोट करना है, हमें अपनी इंडिजीनियस कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना है, हमें फॉरेन गुड्स को जो है बॉयकॉट करना है। तो ये पूरा का पूरा जो कि हमें अपनी धरती से जान पहचान होनी चाहिए, हमें अपनी धरती पे खड़े होकर अपने रूट्स जो है अपने सॉइल में कम से अंदर तक जो है उसको खींच करके रखना चाहिए। तो इन सारे विषय पर गांधी जी को बहुत ज्यादा याद करा जाता है, चाहे उनका जो पॉलिसी ऑफ सत्याग्रह हो, स्वराज्य हो मतलब सेल्फ रूल, अहिंसा हो, नॉन वायलेंस, आश्रम का पूरा जो उन्होंने इजाद किया, ब्रह्मचारी जिंदगी मतलब एकदम सेरेनिटी में रहना, एकदम सिंप्लिसिटी में रहना, एकदम एक ऐसा जीवन व्यतीत करना जिसमें ना कोई अराउजल है, ना कोई किसी भी टाइप का ग्रीड है, ना किसी भी टाइप का ओवर एम्बिशियस है, ना एक्सप्लॉयटेटरी फीलिंग्स है। अगर आप ऐसी जिंदगी में से, अगर ऐसी चीज़ों में से 1% भी इसको अडॉप्ट कर लीजिए, आप समझ लीजिए आपकी और भगवान में फिर इतना कम वास्ता मतलब इतना कम डिस्टेंस रह जाएगा, यू विल एक्चुअली बिकम अ वेरी नोबल पर्सन, मतलब यू विल नॉट बिकम लाइक गांधी जी, बट देन इनकी एक परछाई बनने का समवॉट आप जो है टैग ले सकते हैं, ठीक है। फिर इनका चरखा हो गया, खादी इंडस्ट्री को पॉपुलराइज करना हो गया, मोक्ष के ऊपर बात हो गई, मुक्ति के ऊपर बात हो गई। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट पिलर्स थे जिसके ऊपर इन्होंने पूरा का पूरा इमारत इस्टेब्लिश करी, जिसकी वजह से हमने ब्रिटिशर्स को जो कोई भी माइका लाल हमारी कंट्री से उनको उखाड़ करके बाहर नहीं कर सकता था, बट ये इन्होंने अपनी लाठी से, अपने जो है एकदम सिंप्लिसिटी लाइफ से और अपने जो है प्योरिटी ऑफ थॉट से, प्योरिटी ऑफ इंटेंशन से, जो कि कोई भी पर्सनल मोटिव नहीं था इनका, सबकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए, सारे मूवमेंट को, सारे लोगों को जोड़ते हुए, मिलाते हुए जो ये चले हैं, हिंदू मुस्लिम्स को जो है मिलाते हुए ये जो चले हैं अंग्रेजों के अगेंस्ट, तो फिर वही ऐसी ही एक पर्सनालिटी जिसका खुद का कोई पर्सनल पॉलिटिकल मोटिव नहीं था, कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं था, एकदम सेल्फलेस होकर के इन्होंने वो पूरी आजादी की लड़ाई लगी। अंग्रेज भी इनको आप समझ लीजिए सल्यूट करते करते हमारी कंट्री से गए हैं, तो ये उनका ओहदा था, ये उनका रुतबा था। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनकी ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ आप उसको पढ़ें, उनकी लाइफ उनके नज़रिए से देखें, उसमें उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपने परेशानियां और स्ट्रगल्स के ऊपर बात करी है, लाइक व्हेन ही वेंट टू साउथ अफ्रीका जहां से उन्होंने सत्याग्रह सबसे पहले प्रैक्टिस करा और वहां से सीख करके वो इंडिया में आए थे इन अराउंड 1900s में,
तो ये सारा जो पूरा उनका एक पूरा जर्नी रही है तो वो उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में अच्छे से लिखी है. तो इट इज़ अ वेरी रिकमेंडेड बुक, ये आप ज़रूर पढ़िएगा. और आज के दिन में एटलीस्ट महात्मा गांधी पे 5 से 7 ज़रूरी बातें आप इन्वेस्टिगेट करिएगा. सबरीमाला टेम्पल पे यहाँ बात हो रही है. अगेन इट इज़ प्रेजेंट अराउंड 18 हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट. यहाँ पर ये प्रेजेंट है सबरीमाला हिल्स, और यहाँ पर आती हैं वेस्टर्न घाट्स, ऐसे आते हैं कंट्री में, हमारी कंट्री में नीचे की तरफ वो ऐसे आते हैं. ये हो गया हमारा मलाबार कोस्ट. ठीक है, ये कुछ ज्योग्राफिकल आपके लिए इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये एरिया केरला स्पेशली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. मैं टाइम एंड अगेन आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके कि इससे उठ करके आपके रीसेंट पीसीएस में क्वेश्चंस बन सकते हैं, एसएससी में बन सकते हैं, आईएएस 2019 में बन सकते हैं. तो केरला पे आप पोस्टमार्टम अभी कर लीजिए. उसके इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, उनके लेक, बैक वाटर लेक्स हो गया, या फिर उनकी रिवर्स हो गई, या फिर उसका जो है फॉरेस्ट हो गया, किसी भी छोटे बड़े किसी भी टाइप का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, के फ्लोरा एंड फौना हो गए, कौन से एनिमल्स इसकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन से पाए जाते हैं, ये सारे चीज़ पे आपका पोस्टमार्टम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया ऑन द स्टेट ऑफ केरला. तो यहाँ पर ऐसे वेस्टर्न घाट्स आते हैं, और फिर यहाँ पर है नीलगिरी फॉरेस्ट का पूरा प्रेमाइसिस, पेरियार टाइगर रिजर्व का पूरा प्रेमाइसिस. और फिर यहाँ पर है हमारा टेम्पल, जो कि एक कॉम्प्लेक्स है 18 हिल्स के बीच में, ये प्रेजेंट है. काफ़ी रफ आप समझ लीजिए फिजियोग्राफिक डिवीजन पे ये प्रेजेंट है, और वहाँ पर जाना, पिलग्रिमेज पूरा अटेंड करना, और पूरा अपने जो है रिस्पेक्ट पे करना लॉर्ड अयप्पन को, एक बहुत ही टफ चैलेंज होता है वहाँ के लोगों के लिए. एंड दैट्स हाउ इट इज़. तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट फॉर इंडियंस, एंड ये कहा जाता है दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट सीजनल पिलग्रिमेज साइट है आफ्टर द मक्का मदीना इन सऊदी अरब, विच इज़ अ वेरी होली साइट फॉर द मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड, जो कि लाइफ टाइम में जाकर के एक बार वो हज की यात्रा करते हैं मक्का मदीना जाकर के, जो कि सऊदी अरब में प्रेजेंट है. तो उसी के आप समझ लीजिए बाद अगर किसी का रिलीजियस पिलग्रिमेज की बात आती है जो कि सीजनल है, तो वो आती है सबरीमाला टेम्पल में, जो ये लोग करते हैं. व्रतम करके एक प्रथा है, एक ये एक रिलीजियस आप समझ लीजिए सेरेमनी है, जो कि एक इंसान को करना पड़ता है बिफोर अटेंडिंग दैट पिलग्रिमेज, जो कि एक 41 डेज का पूरा को पूरा प्रोसेस है, जिसमें एक इंसान एक एकदम ब्रह्मचारी जैसे ज़िंदगी जीता है, सन्यासी जैसे ज़िंदगी जीता है, जिसमें एक बहुत ही वेजिटेरियन डाइट वो लेता है, एब्सटेन करता है फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैरिज और सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद द पार्टनर, और अलाउ करता है ग्रोथ ऑफ हेयर, मतलब जैसे दाढ़ी वगैरह नहीं काटेंगे, बाल वगैरह नहीं काटेंगे, एंड नेल्स ऑल्सो विदाउट कटिंग देम, मतलब कोई भी टाइप का, मतलब किसी भी टाइप का श्रृंगार करना है, किसी भी टाइप का आपको अपनी लुक्स को एनहेंस करना है, अच्छा खाना है, मतलब एकदम चटाई बिछा करके नीचे सोना है, नॉर्मल कपड़े पहने, एकदम ब्रह्मचारी और सन्यासी जैसी जिंदगी आपको बितानी है, और फिर आप कर सकते हैं यात्रा लॉर्ड अयप्पन के जो है टेम्पल तक. तो ये सारी चीज़ों पर विमेन पे बैन था, तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई भी शक्ति विमेन को रोक नहीं सकती कि वो अपना रिस्पेक्ट पे कर पाए लॉर्ड अयप्पन को, जिसके अगेंस्ट बहुत सारे लोगों ने कहा, जिसके सपोर्ट करते हुए बहुत सारे लोगों ने कहा, तो ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल डिसीजन दे दिया है. यहाँ पर द अलजेब्रा ऑफ डिसेंट की बात हो रही. डिसेंट मतलब किसी भी बात से सहमत ना होना, एक अगेंस्ट व्यू देना, किसी भी नोशन के अगेंस्ट व्यू देना, जैसे कि राइट टू प्राइवेसी आधार पर जस्टिस चंद्रचूड ने अपना जो है ओपिनियन रखा था. फिर हमारी सबरीमाला टेम्पल वर्डिक के अगेंस्ट हमारी जो है इंदु मल्होत्रा जी ने अपना एक अगेंस्ट वर्डिक रखा था कि हमें हमारे कोर्ट्स को ये सारे रिलीजियस इंटरफेरेंस से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो भी आर्टिकल 26 के तहत ये पावर, ये राइट इन्जॉय करते हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कस्टम्स अपने तरीके से मैनेज कर पाए, अपने रूल्स खुद ही मैनेज कर पाए. तो ये अपनी कम्युनिटी जो है उन पर ये बातें छोड़ देनी चाहिए, औरतों को हाथ में हाथ मिला करके इस पूरे प्रथा के अगेंस्ट खड़े हो जाना चाहिए, और हम जैसे सुप्रीम कोर्ट जैसी अथॉरिटी जो कि नॉन रिलीजियस है, किसी भी रिलीजन को फेवर करने के लिए नहीं है, किसी भी रिलीजन में इंडल्ज करने के लिए नहीं है, तो हमें ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए. तो ये इंदु मल्होत्रा जी की बात थी. तो यहाँ पर भाई आर्टिकल राइटर कह रहे हैं कि जजेस हु मेक सिग्निफिकेंट डिसेंट, मतलब जो कि एक अपना नोशन अगेंस्ट शो करते, शुड नॉट गिव अप देयर स्टैंड अनलेस दे आर पूरे तरीके से कन्विंस कि दे आर रॉन्ग, जब तक कि वो पूरे तरीके से कन्विंस ना हो जाए
कि नहीं मैं गलत था, मेजॉरिटी सही थी, तब तक उन्हें अपना स्टैंड रखना चाहिए। क्योंकि जब भी हम एक डिबेट करते हैं, दोनों ओपिनियंस को मद्देनज़र रखते हैं, तभी तो कोर्ट में एक फॉर होता है, एक अगेंस्ट मोशन होता है, और जज को डिसाइड करना होता है कि किसका पल्ला भारी है। तो हमेशा एक डिसेंट जैसी आवाज़ को हमें शांत नहीं करना चाहिए, और उस पार्टी को भी तब तक शांत नहीं होना चाहिए जब तक वो पूरी तरीके से संतुष्ट ना हो पाए कि नहीं मेरा सोचने का तरीका सही नहीं था, या फिर आप प्रूफ करते रहे कि नहीं मेरा ही सोचने का तरीका सही है। तो ये सारे इंस्टेंसेस हमारे पास्ट में भी रहे हैं जहाँ पर बहुत सारा डिसेंट हमने फेस करा है, चाहे वो बेसिक स्ट्रक्चर जजमेंट्स हो या फिर ये वाला वर्डिक्ट हो। ये सारे जो वर्डिक्ट्स है जो कि मैंने न्यूज़पेपर में आपके लिए उठाए, तो ये आपकी थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि इन केसेस को आप थोड़ा सा गूगल करें, थोड़ा सा इस पर इंस्पेक्ट करें कि ये केसेस किस चीज़ पर थे, तो इससे थोड़ा सा आपका होराइजन बड़ा होगा। और ऐसे केसेस को अगर आप मेन्स आंसर राइटिंग या फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में आप कोट करते हैं, तो आप समझ लीजिए यू विन ओवर द हार्ट ऑफ द एग्जामिनर। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर एंजॉइंग एक्सपोर्टर स्टेटस विद नो लाइबिलिटी, यहाँ पर बात हो रही है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको और रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ताकि बैंक्स वगैरह से जो हम लोन्स लेते हैं उसको हम सही टाइम पे वापस कर पाएँ, चुकता कर पाएँ। ऑल्सो हमारी कंट्री में हम जो एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर, जो भी कंपनीज कोई भी सामान एक्सपोर्ट करती है, उसको GST के तहत कुछ रिलैक्सेशन है, क्योंकि हम हमेशा एक्सपोर्ट को एनकरेज करते हैं, इम्पोर्ट को डिस्करेज करते हैं। एंड ऑल्सो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के जो रूल्स है उसको भी कहीं ना कहीं मिसलीड करा जाता है इस पूरे सिस्टम में, ताकि वो जो है हम टैक्सेस इवेड कर पाए, ताकि हम जो है फंड्स बाहर से और इलीगल तरीके से ले आ पाएं, या फिर कोई भी ऐसा चैनलाइज वे हम यूज कर ले जिसमें हमारा फायदा हो एंड वो एक इलीगल तरीका हो। तो जैसे कि बाइंग हाउस, मतलब कोई भी जैसे एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूशन है, कोई एक्सपोर्ट हाउस है, उनका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो उन्होंने ये चीजें आउटसोर्स कर रखी हैं किसी मैन्युफैक्चरर को। तो वो मैन्युफैक्चरर क्या करता है, जैसे कि मैं एक एक्सपोर्ट एजेंसी हूँ, मैंने एक मैन्युफैक्चरिंग से कहा कि ठीक है इतना सारा सामान तुम बना करके इस कंट्री को एक्सपोर्ट कर देना, तो उसने मैन्युफैक्चरर ने वो सारा सामान बनाया और फिर उसको शिप कर दिया टू द डेस्टिनेशन कंट्री आउटसाइड इंडिया। तो ये पूरे के पूरे सिस्टम में जहाँ पर एक एक्सपोर्टर है, फिर एक मैन्युफैक्चरर है, फिर उसको रजिस्टर करना है गवर्नमेंट के साथ, तो ये दोनों एंटिटी, ये तीनों जो लोग हैं, ये आपस में चीज़ें आज तक रेगुलेटेड नहीं है, जिसकी वजह से बहुत सारा इलीगल तरीके से बहुत सारे काम होते हुए नजर आते हैं, फिर ये बैंक्रप्ट हो जाते हैं, बैंक्स को भी ये सारा जो लोन का पूरा पूरा चक्कर है, क्योंकि अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने ऐसा लोन लिया हुआ है बट वो टैग दिया हुआ है एक्सपोर्ट कंपनी का, या फिर एक्सपोर्ट कंपनी ने लोन दिया हुआ है, पूरा का पूरा जो है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पे उसने जो है पूरा पूरा ब्लेम डाला हुआ है कि नहीं हमारा तो इसमें कोई रोल नहीं था, ये पूरा का पूरा बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग आउटलेट का था। तो ये सारे चक्कर में फिर बैंक्स हमारे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, फिर उसका पैसा जो है फंस जाता है। तो ग्राउंड रियलिटी हमारी बहुत ज़्यादा सैड है वेन एवर इट कम्स टू द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट थिंग। और शिपिंग बिल का जो पूरा का पूरा सिस्टम है कि शिपिंग बिल वगैरह जो रजिस्टर होना चाहिए विद प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट एंड ऑल दैट, तो ये सारा जो ये एक्सपोर्ट एजेंसी है एंड ये जो मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी, इनके बीच में ये जो है ये डॉक्यूमेंट्स जो है सही तरीके से रजिस्टर नहीं होते हैं। तो सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर इज एक्चुअली मेकिंग अ डोमेस्टिक सेल टू द बाइंग हाउस, तो यहां पर ये होना चाहिए सही तरीके से कि जो बाइंग हाउस जो कि एक्सपोर्ट हाउस है, जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं कोई चीज और वो उसने आउटसोर्स कर रखा है मैन्युफैक्चरर को, तो मैन्युफैक्चरर उसको मैन्युफैक्चर करके सीधा एक्सपोर्ट हाउस को सेल करे इन द कंट्री, तो उस पर तो GST लगना चाहिए ना, वो GST से इवेड नहीं हो सकता, तो वो पहले जाकर के एक्सपोर्ट हाउस को सेल करे, फिर एक्सपोर्ट हाउस उसको डेस्टिनेशन कंट्री में सेल करें। तो यहां पर जीएसटी को भी, जीएसटी से बचने के लिए भी ये सारे जो है ये इलीगल तरीका अपनाते हैं, जिसकी वजह से ये सारे फॉल्टी डिसीजंस की वजह से हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा सफर करती है, और बहुत सारे जो है जो ट्रूथफुल मनी जो कि आना चाहिए बैंक में, ट्रूथफुल मनी टैक्सेशन रेवेन्यू में भी जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर अगेन वो कंपनी की बात हो रही है, दैट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज ILNFS, जो कि अभी एक लिक्विडिटी क्रंच पे आ चुकी है। तो ये थोड़ा बहुत शेयर होल्डिंग्स आप देखिएगा, देखिए यहाँ पर ओनरशिप पाई क्या है, किस किस ने इस पे जो है अपने शेयर्स लगाए हुए हैं, LIC का काफ़ी ज़्यादा रोल है, फिर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, फिर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर, फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने शेयर्स लगाए हुए हैं, HDFC बैंक है, जापान्स ओरिक्स कॉरपोरेशन है, तो इन सारे लोगों ने अपना पैसा लगाया हुआ है। तो अभी समझ लीजिए इट इज़ सम ऑफ द यू नो फेवर्ड इंस्टीट्यूशन ऑल्सो इन द कंट्री, प्लस ये सारे एक सेंट्रल इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसको कहीं ना कहीं हमने नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल का इस्तेमाल करते हुए
सेंटर ने अभी डिसीजन लिया है कि इसके जो बोर्ड मेंबर्स थे उसको चेंज करा जाए ताकि डिसीजन मेकिंग फ्रेश हो पाए, हम फ्रेश माइंडसेट इनवाइट कर पाए और ऐसी सारी चीज़ों से हम डील कर पाए. तो व्हाट इट इज़ अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी दैट इज़ लाइक रिलेटिंग टू इंडियन कंपनीज. तो इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इसको पावर मिलती है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के तहत हम ऐसे डिसीजंस ले पाए कि किसी के बोर्ड मेंबर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हम चेंज कर पाए अगर वो कंट्री किसी भी घाटे में. तो दे हैव 13 ब्रांचेस ऑल अक्रॉस आर कंट्री. एक न्यू दिल्ली ब्रांच है, अहमदाबाद है, इलाहाबाद है, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोची, कोलकाता एंड मुंबई. ठीक है. तो जस्टिस एम एम कुमार, अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट, हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एन. और ये आप थोड़ा सा लाइक रिसेंट वाला भी देखिएगा, ये मुझे लगता है पुराना है, थोड़ा सा इसको रिसेंट वाला भी देखिएगा कि अभी कौन प्रेसिडेंट है NCLT के. ठीक है. तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर हो रहे हैं. 3 अक्टूबर से हमारे न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे जो कि अपनी पोजीशन होल्ड करेंगे. अब तो आप ये मुझे एज अ पार्ट ऑफ बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चन जो कि शायद मैंने मेंशन नहीं किया है वो आप मुझे बताएगा, हु इज़ द न्यू फेस, हु विल बी आर न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. ठीक है. तो यहाँ पर रिटायरमेंट से पहले उन्होंने ये सारे इंपॉर्टेंट वर्डिक्स दिए हैं और सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है इन डिलीवरी a lot of verdicts. तो ये आप थोड़ा सा देखिएगा, चाहे वो एडल्ट्री पे हो या पे अरेस्ट ऑफ एक्टिविस्ट हो, आधार कार्ड और प्राइवेसी पे हो, सबारी माला पे हो, अयोध्या पे हो या पे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पर हो, तो काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, चाहे वो NJAC एक्ट पे हो या फिर ट्रांसजेंडर राइट्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, तो बहुत सारे इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट काफ़ी विजिलेंट रहा है हाल ही में. और हमने उसके सारे डिसीजंस को, चाहे वो अडल्ट्री लॉ पे हो, ठीक है, सारे या फिर ट्रांसजेंडर पे हो या फिर होमोसेक्सुअलिटी पे, तो काफ़ी सारी चीज़ों पे हमने उसके डिसीजंस इन्वाइट करे हैं. यहाँ पर P2 टाइप ऑफ जो पोलियो है वो हमारे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से बरामद हुआ है, जो कि काफ़ी अलार्मिंग सिचुएशन है हमारी कंट्री में, क्योंकि ये पूरी दुनिया से ये जो वायरस है वो पूरी दुनिया से फ्री कह दिया गया था कि वर्ल्ड फ्री हो गया है P2 पोलियो वायरस से. तो अभी हमारे एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो है काइंड ऑफ इंस्पेक्शन हो रहा था, वहाँ पर हमने इसके ट्रेसेस पाए गए, तो काफ़ी अलार्मिंग है, हाई अलर्ट पे हैं और बहुत सारा रिसर्च हो रहा है, सर्वेलेंस हो रहा है कि ऐसा कैसे हुआ और इसको हम कैसे ख़त्म किया जाए. तो पोलियो के बैकग्राउंड में कुछ इंपॉर्टेंट बात यह है कि WHO ने इंडिया को पोलियो फ्री का डिक्लेयर कर दिया था 2014 में. वी एंजॉय द पोलियो फ्री स्टेटस इन आर कंट्री. पोलियो बूंद हमारे जो है बहुत ज्यादा कैंप्स भी डलते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से एक सब्सिडाइज तरीका होता है बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना ताकि उनको पोलियो जो है डेवलप ना हो पाए. ये 3 स्टेन्स में मौजूद होता है एनवायरमेंट में, P1, P2, P3. तो जिसमें से P2 जो है दुनिया से खत्म हो चुका था, P1, P3 फिर भी मौजूद था हमारी कंट्री में, बट दुनिया से 1999 से इसको अलग कर दिया गया था, इसको वर्ल्ड फ्री कह दिया गया था कि वर्ल्ड इज फ्री ऑफ P2 पोलियो वायरस. बट अभी हमारे महान जो है किसी नाली में, गली कूचे में इसका जो है एक सैंपल डिटेक्ट हुआ है लास्ट वीक. तो या आई मीन इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन. तो हमारे सारे प्रशासन जो है काफी हाई अलर्ट पे हैं. यहां पर एक दुखद घटना रिपोर्ट हुई है कि गिर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में, जो कि गुजरात में है, वहां पर 21 लायंस की जो है मौत की खबर आ रही है. 19 डेज में ये इनकी डेथ नजर आ रही है. तो ये एक होम एशियाटिक लायंस का इन द वर्ल्ड, तो आप समझ लीजिए हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन अगेन है. हमें मेजर्स लेना चाहिए, चाहे वो ह्यूमन इंटरफेरेंस का हो, डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर एरिया हो, कंजर्वेशन का हो और प्रोटेक्शन का हो, या फिर इनका आर्टिफिशियली इसको रिप्रोड्यूस करने की बात हो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंट्रोड्यूस करने की बात हो एनिमल्स में. तो ये कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से उनकी जो है मौत हो गई और वो जो है उनकी डेथ हो गई, तो जिसके लिए हमारे ये नंबर्स बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है. तो यहाँ पर थोड़ा सा आप एरिया देखिएगा, ये कच्छ रीजन में, ये काठियावाड़ रीजन में ये गिर फॉरेस्ट जो है प्रेजेंट है, नेशनल फॉरेस्ट है, ये अरेबियन सी है यहाँ पर, और ये है गल्फ ऑफ कच्छ, और यहाँ पर गल्फ ऑफ खम्बट है. ठीक है. तो थोड़ा सा आपको जो है मैप में इसको लोकेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट. यहाँ पर बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चन है आपके लिए. सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जो कि RBI टैग देता है वो कौन से हमारे कंट्री में हैं और इसका क्या मतलब होता है ये आप मुझे बताएंगे. एयर क्वालिटी इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है ये आप मुझे बताएंगे, क्योंकि उसके पोल्यूटेंट्स तो मैं आपको बता चुकी कि कौन से पोल्यूटेंट्स ये कैलकुलेट करते हैं और क्या इनकी मतलब रेंज होती है, तो ये तो आपको हम बता ही चुके हैं. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि अब चेंज हो रहे हैं हमारी कंट्री में क्योंकि वो रिटायरमेंट एज प्रोक्योर कर चुके थे, तो ओथ कौन दिलाता है, उनका टर्म क्या होता है,
कंडीशन ऑफ सर्विस क्या होती है, रोल क्या होता है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है इनका, रिटायरमेंट कौन सी एज पे होता है, उसका इम्पीचमेंट. वैसे इम्पीचमेंट जो है सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए ये वर्ड यूज़ करा जाता है, बट इसको अनऑफिशियली हम भी इसको मीडिया पर्सन एंड ऑल दैट इसको भी यूज़ कर लेते हैं इम्पीचमेंट, बट इम्पीचमेंट सिर्फ प्रेसिडेंट का होता है. जजेस एंड चीफ जस्टिस को का इम्पीचमेंट नहीं करा जाता, रिमूवल कहा जाता है. बट ड्यू टू अ लॉट ऑफ मीडिया इनफॉर्मली लोग काफ़ी ज़्यादा इस वर्ड को यूज़ करते हैं, तो स्टिल आई हैव यूज्ड इट. बट इम्पीचमेंट वैसे सिर्फ प्रेसिडेंट के को रिमूव करने के लिए कहा जाता है. स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि गांधी जयंती है, स्वच्छ भारत अभियान और जो है क्लीन इंडिया जैसे ड्राइव हम इंजॉय कर रहे हैं, तो स्वच्छ भारत अभियान पे आप मुझे 2 से 3 ज़रूरी बात बताइएगा. गांधी जी पे प्लीज़, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप इन पे जाके इनकी लाइफ को फॉलो करिएगा, इस पे इन्वेस्टिगेट करिएगा और थोड़ा सा इनके बारे में जानिएगा. फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या है ये आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन. और मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड आई फील रियली प्राउड एंड हैप्पी विद द काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड विद द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई गेट. सो प्लीज़ कीप ऑन मेकिंग मी प्राउड. सो बेलीगर्ड put in a very difficult situation, मतलब परेशान कर देना होता है ना, beleaguering situation, skeptical, not easily convinced, having doubts or reservation, उलझन में हो जाना. तो कहते ना कि I am very skeptical about this issue, intricate, very complicated or detailed, मतलब पेचीदा होना, triumph, a great victory or achievement, मतलब जीत हासिल करना, perjury, an offense or willfully telling an untruth or making misinterpretation under oath. आप oath के तहत भी कोई झूठ का सहारा आप ले रहे हैं, तो मतलब झूठ साक्ष्य. Asceticism, severe self-discipline, avoiding all forms of indulgence, typically religious sort, मतलब सन्यासी और ब्रह्मचारी की जिंदगी व्यतीत करना. मैप प्रैक्टिस में आपके लिए कॉन्टिनेंट अफ्रीका चल रहा है, कंट्री दिजिबूती है, ये सारे फिजिकल divisions आप लोकेट करेगा, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन एंड बब अल मंडब, ये इसकी कैपिटल है. एंड यू हैव टू टेल मी द इम्पोर्टेंस ऑफ बब अल मंडब, विच इज़ अ स्ट्रेट बिटवीन विच टू कंट्रीज, या फिर 3 countries या 4 countries आप मुझे बताइएगा इन द कमेंट सेक्शन, और इसका इंपॉर्टेंस भी आप मुझे बताइएगा. टुवर्ड्स दी एंड आई वुड स्टे ट्यून टू पेंसिल बॉक्स एजुकेशन फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स. एंड इफ यू रियली लाइक आर कंटेंट, लाइक आर वीडियो, प्लीज डू गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. मैं बहुत पर्सनली मोटिवेट होती हूँ, खुश होती हूँ आपका रिस्पॉन्स देकर. ऑल्सो थोड़ा सा टाइम क्रंच है, टाइम इशू है, क्योंकि मुझे एज अ बिगनर थोड़ा सा, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंटेंट, मैं थोड़ा सा टाइम लेती हूँ, अपना सेटिस्फैक्शन लेती हूँ, थोड़ा सा मैं भी एनालिसिस करती हूँ और हमेशा एक नया कंटेंट, नए सोच के साथ आपके लिए चीज़ें लेकर आती हूँ. तो थोड़ा सा 10 to 10:30 ही मैं पब्लिश कर पा रही हूँ अभी. इसको मैं कर दूंगी टिल 9:30 to 9, ये मेरा पूरा कोशिश है. बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर ये पक्का से पक्का हो जाएगा, तब तक आप मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करिए, मुझे अच्छा लगेगा. दिस इज हाउ यू गोइंग टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम पेंसिल बॉक्स एजुकेशन. एंड दिस इज द ईमेल आईडी दैट यू कैन यूज टू कनेक्ट टू मी पर्सनली, प्लस द कमेंट सेक्शन जिस पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूं वो आप यूज कर सकते हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर, डू योर बैकग्राउंड एनालिसिस क्वेश्चंस डेली व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. बी हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, स्प्रेड लव, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई मस्ट टेल यू. साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, जय हिंद.